अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर आप सबको मेरे YouTube चैनल दस्तक पे खुशामदीद। आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि जिन लोगों की EOBI की पेंशन रिवर्स हो चुकी है या हो गई थी और अभी तक उनको वापस नहीं मिली। मैक्सिमम लोगों की जो पेंशन रिवर्स हुई थी वो नवंबर की पेंशन थी जो दिसंबर में डिक्रेडिट हो गई थी, वो अभी तक उन लोगों के अकाउंट में वापस नहीं आई है। उस पेंशन को वापस लेने का तरीक़ाकार क्या है? और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिनकी अभी तक पेंशन कभी भी डिक्रेडिट नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्त में कोई पता नहीं कभी भी आपकी पेंशन डिक्रेडिट हो सकती है, तो उसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए कि आप उसके लिए क्या करें ताकि आपकी वो पेंशन जल्द अज जल्द आपके अकाउंट में वापस आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आप लोग हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही हमें अप्रिशिएट करते रहा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे हमने एक पोस्ट की थी 2 दिन पहले और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स भी किया, इसमें लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है और हमें ये भी बताया कि जी एडमिन अस्सलाम वालेकुम, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि रिवर्स क्यों होंगे जब एक दफ़ा अकाउंट में आ गया। तो इस तरह एक और ने कहा कि भाई जी, मेरी सितंबर 2023 की पेंशन 1476 रुपये रिवर्स हो गई थी, वो कब तक जमा हो जाएगी? तो इस तरह बहुत से लोगों ने हमारे साथ सवाल किए, कुछ ने हमें अप्रिशिएट किया, कुछ ने हमारे ऊपर तनकीद भी की। हमने उस तनकीद का भी अच्छे से जवाब दिया कि भाई, हम किसी के लिए कोई फेक न्यूज़ नहीं चला रहे हैं। अगर आपके लिए ये ख़बर नहीं है तो बहुत से लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, उनको इन्फॉर्मेटिव खबर है ये। तो ये तमाम कमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। किसी ने फेक न्यूज़ भी कहा, हालांकि तो मैं भी आप लोगों के साथ वो स्लिप भी, बैंक की स्लिप भी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि पेंशन आई और उसके बाद डिक्रेडिट होगी और उनको अभी तक वो पेंशन नहीं मिली है। तो इसके लिए आपका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने अपने करीबी EOBI के ऑफ़िस में जाना है और यकम से 10 तारीख के दरमियान आपने अपना डाटा अपडेट करवाना है। EOBI में जो भी आपका बंदा डाटा अपडेट कर रहा है उसको ये बोलना है कि हमारी एक पेंशन डिक्रेडिट हुई हुई थी, ताकि वो उस हिसाब से आपका डाटा बैंक अलफला को भिजवाए। और अगर आप 10 तारीख से पहले पहले करवा लेंगे, जिस तरह अभी फरवरी की 10 से पहले अगर आप लोग डाटा अपडेट करवा लेते हैं, तो यकम या 2 तारीख को जो मार्च में जो आपकी पेंशन आएगी उसमें आपके ये बकाया जात भी साथ आ जाएंगे। और अगर आप 11, 12, 13 या XYZ किसी भी डेट पे जाते हैं तो आपको यकम या 2 मार्च वाली पेंशन में नहीं बल्कि यकम या 2 अप्रैल वाली पेंशन के अंदर आपको वो पेमेंट रिसीव होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप ये करवा लें। और एंड में एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और जो तनकीद करते हैं उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग कम अज़ कम हमें देख के हमारी कोई गलतियाँ हमारे सामने ज़रूर लेकर आते हैं ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में वो गलतियाँ ना करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।